ये हमारी सिस्टर सोनिया है, ये भी अपनी गवाही खुद दे दी आपके सामने। प्रेज़ द डॉक्टर, प्रेज़ द डॉक्टर। मेरी गवाही बहुत बड़ी है और आई होप कि आप सबको इनकरेज होगा सुनकर कि मेरे काफ़ी 1 ईयर से स्टमक इश्यूज चल रहे थे, कभी एच पायलोरी पॉजिटिव है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन इशू है। तो इस बार भी मैं 3-4 मंथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती रही हूँ, तो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था। सिस्टर दुआ करती रही मेरे लिए, मुझे फिर पाकिस्तान जाना पड़ा, वहाँ मैंने जाके अपना चेकअप करवाया सारा और 1 वीक में मैं काफ़ी बेहतर हुई। सिस्टर मेरे लिए रेगुलर प्रे करती रही और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार इस चीज़ की कि खुदावन के बाद सिस्टर की कि हमारे लिए खुदावन ने हमें अच्छे जो है प्रीचर दिए हैं, वो अच्छे दिए हैं उस्ताद की, जो हम जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो एटलीस्ट वो हमारे लिए प्रे करते हैं, हमारे पीछे सपोर्ट करते हैं। और वो मेरे लिए बहुत प्रे करती रही खुदावन का शुक्र कि मैं काफ़ी बेटर हो गई। और फिर जब मेरा आने का टाइम हुआ तो एयरपोर्ट के हाफ रास्ते पे भी अभी मैं थी तो मुझे सुबह में डायरिया का इशू हुआ और वो ज़्यादा हो गया कि वहीं से फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल एडमिट किया, सिस्टर ने मेरे लिए प्रे की, मैं बहुत बेहतर हो गई। मेरी टिकट फिर 8 दिन और आगे करवा दी गई, लेकिन शुक्र है खुदावन का कि मैं 2 दिन में बेहतर हो गई थी कि मैं फिर से ट्रैवल कर सकी। और एक और छोटी सी गवाही ज़रूर शेयर करूँगी, छोटी नहीं वो बहुत बड़ी गवाही है कि वाकई खुदावन कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करता है। मैं 10 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मौसमी ख़राबी का कुछ हो। जब मैं घर से निकली हूँ कुछ भी नहीं था, जाते जाते रास्ते में आंधी और बारिश तूफान ऐसा स्टार्ट हुआ और वहाँ की जितनी भी फ्लाइट्स थी सब डिले हो गई, लेकिन जिस प्लेन में मैं जा रही थी वो बिल्कुल डिले नहीं हुई, वो सेम टाइम पे फ्लाई किया। और उसमें बैठते ही और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का जो सफ़र था उसमें प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता था, वो बार बार बिल्कुल ज़्यादा ही मूव करता था कि पूरे प्लेन में हलचल थी और मेरी वहाँ कंडीशन और ख़राब हो गई, मेरी हार्ट स्पीड बढ़ती गई और मैं कह मुझे लग रहा था कि आज मेरा लास्ट डे है, मेरी लाइफ का लास्ट डे है, बस ये जहाज़ आज नीचे जाएगा। इतनी मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती गई और मैं खुदा सभी रोस्टर्स आ रही, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मुझे रब कर रही है, मैं फ्रीज हो गई बिल्कुल। और पूरे जहाज़ में हलचल थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ मौसम की। और मैं कह रही हूँ खुदावन तो अपने पाक फरिश्ते और जंगजू फरिश्ते दे, तेरे जंगजू फरिश्ते जब इसको संभालेंगे ना तो मैं सेफ पहुँच जाऊँगी। मैं इवन के रोती भी रही, इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हो गई कि मुझे अजीब अजीब सी थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिविटी बस सब तरफ दिख रही थी। और सिस्टर का मैसेज मैं निकाल के सुनना शुरू हो गई जो मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने जाते वक्त किया और मैं रिलैक्स होना फील बेटर फील किया मैंने। और फिर मैंने एक कलाम सुना उस 2 दिन बाद, वो उसमें बता रहे थे कि जब आप कहीं जाते हैं आपको कुछ हो रहा है, आपका एक्सीडेंट होने लगा तो आपने कट कर लिया, तो वो आपने नहीं किया अपने आप को सेव, वो आपके फरिश्तों ने जो खुदावन ने आपको जंगजू फरिश्ते दिए होते हैं वो सारा काम वो करते हैं। तो एकदम से मैं बहुत इनकरेज हुई कि वो जब मैं भी वहाँ पर सेव रही वो सारा काम खुदावन के जंगजू फरिश्तों ने किया और खुदावन के नाम को सारा इज्जत।